वाणी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो। दोस्तों, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर हैं। आज उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण भी किया है। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ जंक्शन के बेबी हैप्पी कॉलेज के अंदर उन्होंने आज एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज के अंदर जहां एक और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे और उनसे उन्होंने सीधी बातचीत भी की है, रूबरू हुई हैं। बाल श्रम और अन्य समस्याओं के बारे में आम जनता के साथ साथ बच्चों से सीधी बातचीत कर नशे को किस प्रकार जिले से दूर किया जाए और बच्चों के अंतर्गत तो जो समस्याएं आती हैं बच्चों को समझाइश के जरिए कि बेबी हैप्पी कॉलेज के अंदर बच्चों के अंदर नई ऊर्जा भरने का उन्होंने काम किया है। वहीं दूसरी ओर बाल श्रम और शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं, खासकर उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए वहां संदेश भी दिया है। बच्चों से बातचीत कर उनके अंदर मनोबल अच्छा रखें और कोई भी समस्या आने पर किस प्रकार उसको दूर करना है, घबराना नहीं है। बच्चों के अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक लहर के रूप में आज बातचीत की है, लहर जगाने का काम किया है। और उसके बाद उन्होंने जो बच्चियों के साथ गुर सिखाए गए हैं वहां पर भी उसका जीता जागता उदाहरण सामने जो है दिखाया गया कि किस प्रकार बच्चियों को आत्मरक्षा करने के लिए अपने लिए तैयार रहना चाहिए। इसका भी नमूना पुलिस के तरफ से पेश किया गया, बच्चों को जो ट्रेनिंग दी गई है उसका नमूना भी दिखाया गया है। आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं किस प्रकार बच्चियाँ जो है आत्मरक्षा के गुर सीख रही हैं, इसकी भी उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की है। वहीं दूसरी ओर कलेक्ट्रेट के अंदर अधिकारियों की ली है बैठक, आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है, सुनिए जी। देखिए, कल से मेरा यहाँ पे दौरा है, संगरिया, हनुमानगढ़, रावतसर और कई ग्रामीण क्षेत्र में जाना हुआ। ज़्यादातर यहाँ पर जिस तरह से नशे को लेकर हमारे बीच में समस्याएं सुनने में आई और साथ ही साथ ईंट भट्टों पर जो काम करते हैं श्रमिक, उनके बच्चों के शिक्षा को लेकर जो समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई। साथ ही मैं अस्पताल का दौरा किया संगरिया में, जहां पर कोई भी लेडी डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट नहीं है, ये समस्याएं हमारे सामने निकल कर आई। और इसी तरह की कई सारी जो हमारे सामने खामियां आई उसको लेकर अभी मीटिंग भी रखी है और जो सरकार के स्तर की होगी वो वहाँ पर प्रेषित करके उसको भी ठीक कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, यहाँ के लिए मेरी कलेक्टर महोदय से भी बात हुई थी और यहाँ की बाल कल्याण समिति हो, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, सभी लोग अपनी तरफ से एक मुहिम भी चलाने की प्रयास कर रहे हैं। बाल आयोग भी उसमें साथ रहेगा कि अधिक से अधिक हम जागरूकता लाएं और इस अभियान को चलाएं। आज हमने एक स्कूल में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा जिसमें सभी स्कूलों के लगभग काफ़ी संख्या में बच्चे और बच्चियाँ वहाँ आई, उनको भी एक प्रतिज्ञा दिलवाई और ये बात कही कि नशे को अपने घर से शुरू करें और फिर नशे को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने हेतु सभी आगे आए। बिल्कुल, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट घोषणा में इस तरह के सेंटर्स की घोषणा भी की है, जिसको अधिकारियों के द्वारा अमलीजामा पहनाते हुए मुझे लगता है धरातल पर आएंगी। तो उसके लिए हम भी वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी कहेंगे कि विशेषकर हनुमानगढ़ में भी उस सेंटर की आवश्यकता है कि यहाँ किया जाए, ताकि उनको हम बेहतर पुनर्वास किए जा सके, वहाँ रखकर उनको नशे से दूर किया जा सके। कुल आयोग के द्वारा, जिस तरह से आयोग आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हमारा सभी जिलों में जाना हो रहा है, सब गाँव ढाणियों में जाना हो रहा है और वहाँ की मूल समस्याओं के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। चाहे कहीं पे हम वांगर क्षेत्र में गए तो वहाँ बाल श्रम की समस्याएं ज़्यादा आई, किसी अन्य में जाने पे बाल विवाह की समस्या ज़्यादा आई, जैसे यहाँ नशे की आई, तो उन सब पर हम स्टडी करते हुए और किस तरह से कहाँ किस संभाग में कैसे कार्य करना है उसको लेकर बाल आयोग अपने आगे कदम बढ़ा रहा है। देखिए, दुष्कर्म होना एक बहुत दुख की बात है और बाल आयोग इसकी कठोर शब्दों में निंदा भी करता है, परंतु ये संख्या हमारे सामने अधिक इसलिए भी आ सकती है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये ध्याय रहता है कि कोई भी मामला आए उसकी रिपोर्ट ज़रूर दर्ज की जाए। इस वजह से ये संख्या हमारे सामने है
परंतु दुष्कर्म होना नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग सब सतर्क हैं। आज यहाँ बैठक में कलेक्टर सभागार में एसपी महोदय भी विराजमान रहेंगे, उनको भी मैं बिल्कुल कहेंगे कि एक आदेश भी निकाल दिया जाए सभी थानों के लिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं उसको गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से चालान पेश करते हुए राउंड अप किया जाए ताकि अपराधियों में भय और वह डर बना रहे। देखिए सभी चीज़ों की कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है मुझे ऐसा लगता है, और जो पुलिस भी ऐसा नहीं चाहेगी कि गुमशुदा बच्चा है, कोई मिसिंग है और उसके अभिभावक तक ना पहुंचा पाए। सबका ये प्रयास रहता है कि जो भी मिसिंग बच्चा है, चाहे दुष्कर्म की बात हो, तो हम तुरंत प्रभाव से जो भी फरियादी है उसको न्याय दिलवा सकें। इस पर कार्य भी हो रहा है, जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बहुत संवेदनशील है, और हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे निर्णय हमारे सामने निकल कर आए हैं कि 11 दिन में चालान पेश होकर दुष्कर्म जो पीड़िता है उसको न्याय मिला है। ऐसे कई सारे जिले हमारे सामने उदाहरण के रूप में आए हैं, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, पूरी तरह से कानून भी अपना कार्य कर रही है, सरकार भी अपना कार्य कर रही है, परंतु और अधिक गंभीरता की और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, आज हमारी ये चर्चा भी हो रही थी अभी सभी यहाँ की हमारे बाल आयोग के साथियों के साथ में, यहाँ की बाल कल्याण समिति के साथ में, जिला कलेक्टर महोदय के साथ में, कि हम इसको किस तरह से शुरू किया जाए और किस तरह से हम इस पर अंकुश लगाया जाए। मैं तो कहूँगी आप मीडिया साथियों की भी हमको आवश्यकता रहेगी, आपके भी सहयोग चाहिए कि आप भी अधिक से अधिक इसके दुष्परिणामों का प्रचार प्रसार करें और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ें ताकि हम यहाँ से नशे को मुक्त कर सकें। महिलाएँ जो कि आज सशक्त हैं, और हनुमानगढ़ में भी अभी काफ़ी सारी बच्चियों से रूबरू हुई तो मुझे खुशी हुई, बच्चों में हौसला देखने, और बिल्कुल कहना चाहूँगी कि महिलाएं अपनी पहचान बनाएं और आगे आएं, पढ़ाई लिखाई करें, अपने पैरों पे खड़े हों। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।